अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, आई होप आप सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और आज हमारे किचन में बन रहा है जी मज़ेदार सा कोरियन स्टिकी चिकन विंग्स। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर आपने बताना है कि आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी कैसी लगी। चलिए जी डिले किए बगैर रेसिपी की तरफ चलते हैं। और ये है जी हमारी रेसिपी के सारे इन्ग्रीडियंट्स, आप इसको एक अच्छे से नोट डाउन कर लें। सबसे पहले जी हमने लिया चिकन विंग्स हाफ के जी, सारी क्वांटिटी हाफ के जी के हिसाब से। इसके बाद आप क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। केचप 4 टेबलस्पून, हॉट सॉस 2 टेबलस्पून, तिल लिए हैं 2 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून, हनी मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 4 टेबलस्पून, 2 टमाटरों की पेस्ट बना ली मैंने, शुगर 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, रेड चिली 1 टीस्पून ईच, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, विनीगर 1 टेबलस्पून। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जी विंग्स पे लगाएंगे विनीगर, गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ एंड होल के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब बारी है जिसको फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर और उसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून सॉल्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको चिकन पे कोट कर देंगे। कोटिंग के बाद इसको करेंगे फ्राई। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है ताकि आपका चिकन अच्छे से कुक हो जाए। सारा फ्राई करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब बारी है जी सॉस रेडी करने के लिए। सॉस रेडी करने के लिए मैंने लिया 4 टेबलस्पून ऑयल और इसमें मैंने ऐड किया 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। अब मैंने इसमें ऐड किया टमाटो पेस्ट। जैसे ही टमाटो पेस्ट हमारी स्मूथ हो जाएगी मैं इसमें डालूंगी केचप और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस और स्पाइसेस ऐड करेंगे विद शुगर, हॉट सॉस ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे जी 1 टेबलस्पून शहद, अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। हम सारे विंग्स इसमें ऐड करते हैं और इसको अच्छे से कोट कर लेते हैं इस तरह। इसको 2 से 3 मिनट कवर करके दम पे रख देंगे। और ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे कोरियन चिकन स्टिकी विंग्स हमारे रेडी हैं। अब इसके ऊपर थोड़े से तेल स्प्रिंकल करेंगे और इसको डिश आउट करते हैं। फिर थोड़े से तेल स्प्रिंकल करेंगे फॉर गार्निश। ये है जी हमारी रेसिपी की फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल फूड एंड मूड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।